तो सबसे पहले दो बातें मुझे क्लियर करनी है। हेलो एवरीबॉडी, हेलो तो बोलेंगे, हेलो से पहले मेरे दिमाग में उठा कि पहले आपको दो बातें क्लियर करूं। सबसे पहली बात, सुशांत सिंह राजपूत की हम लोग कुछ ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं, मगर उनके वजह से हम लोग सब अलर्ट हो गए हैं, हम लोग सब डिप्रेस्ड हो गए हैं। तो अचानक मेंटल हेल्थ एकदम सामने आया है, इसीलिए मैं ये शो कर रही हूँ, जबकि ये बहुत पुरानी बात है और बहुत सालों से मेंटल हेल्थ चले आ रहा है। पहले ज़माने में भी आपको पता है कि औरतों को पागल बोलते थे, अमावस में, पूर्णिमा में लोग पागल हो जाते हैं और पूरे बॉडी के हमारे वाइब्रेशंस चेंज हो जाते हैं। सो एवरी अमावस एंड एवरी पूर्णिमा कुछ ना कुछ गड़बड़ हमेशा होते रहती है। बट वी आर यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी विच इज़ नॉट गुड, बट टू टॉक टू पीपल, बिकॉज पीपल लुक अप टू मी। आई हैव गॉट सो मेनी क्लाइंट्स कमिंग एंड क्राइंग अबाउट डिप्रेशन। आई माई सेल्फ आई एम अ डिप्रेशन पेशेंट। मैं खुद एक गोली खाती हूँ जो अभी थैंकफुली मैंने आधी कर दी है और स्लोली स्लोली वो भी खत्म हो रही है। सो फॉर सम टाइम आई हैड टू ऑल्सो टेक इट, बिकॉज आई बिलीव कि अगर आपके पास सरदर्द के लिए आप एक गोली खाते हो तो फिर ये बीमारी के लिए क्यों नहीं। मैनी पीपल डू नॉट एक्नॉलेज कि हम बीमार हैं। क्यों नहीं बीमार हो सकते हैं हम मेंटली? अगर हम फिजिकली बीमार हो सकते हैं तो मेंटली क्यों नहीं बीमार हो सकते हैं? अब तो सबको पता है बॉडी तो एक फिजिकल पार्ट है, लेकिन पूरी जिंदगी हम लोग अपने सर के अंदर जीते हैं। हमारा माइंड क्या बोलता है, हमारे थॉट्स क्या बोलते हैं, हम कितने नेगेटिव हैं, हम कितने पॉजिटिव हैं, ये सब चीज़ डिपेंड करती है हम लोगों के थिंकिंग पे। सो वी गेट टायर्ड, वी गेट वेरी टायर्ड। सो एक बात यह है कि वी आर नॉट यूजिंग दैट अपॉर्चुनिटी इन अ रॉन्ग फैशन, बट वी आर यूजिंग इट इन अ प्रॉपर फैशन। सो वॉट एवर लिटिल नॉलेज दिस वर्ल्ड हैज गिवन मी टुडे, आई एम 55, नानी बन गई हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ ऑल ओवर इंडिया में रह के आई हूँ, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं, कम से कम 10-12 बच्चे तो मेरे घर में हैं, 15 बच्चे हैं मेरे, हु आर लाइक आई हैव सीन सो मेनी एट क्लोज क्वार्टर्स एंड एवरी डे आई सी सो मेनी क्लाइंट्स। तो मुझे पता है कि लोगों के माइंड में क्या क्या चलते रहता है, जो मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लाइफ का है। आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू गाइज एंड मैनी लुक अप कि हाँ आप बताओ मेंटल हेल्थ से कैसे ये किया जाए। सो प्लीज़ डू वन थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नॉट टॉक अबाउट, नोबडी विल आस्क मी एनी क्वेश्चंस अबाउट दैट। सेकेंड थिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू इज आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ साइकेट्रिस्ट, आई एम नॉट एनी बडी टू टॉक ऑन मेंटल हेल्थ। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट इट because of my kind of my job I am in. In this kind of job, every day we have to counsel people. So half psychiatrist तो हम लोग ऐसे ही experience से बन जाते हैं, दो हमारे पास कोई degree नहीं है, but we have to counsel everybody who comes to us. कोई किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी के relationship problem है, किसी को husband के साथ नहीं बना रहे हैं, कोई wife के साथ नहीं रह सकता है, कोई माँ के साथ नहीं रह सकता है. So in every household something is there. So I am started talking about these things only out of my little experience by talking to my clients. ये हो गई, ये दो बातें I wanted to make clear. Second, फिर आते हैं about mental health, physical health का आप लोग कितना ख्याल रखते हो। Everybody is into fitness. सबको पतला होना है, सबको slim दिखना है, सबको six packs चाहिए, हर लड़की को curvy बनना है, beautiful बनना है। So are you taking care of your mental health? आप क्या दे रहे हो अपने mind को, क्या खाना दे रहे हो, थॉट्स क्या है आपके, सुबह उठ के आप क्या सोचते हो, आपका दिन कैसे जाएगा, आपको क्या करना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू बी प्लीज श्योर इन व्हाट यू आर फीडिंग योर माइंड। आप खाने के ऊपर बहुत ध्यान देते हो कि हमारे खाने में ऑयल नहीं होना चाहिए, हमारे खाने में इतना ही फैट होना चाहिए, हम लोग बुरी चीजें नहीं खाएं। और ऑफकोर्स बहुत लोग पिज्जा बर्गर रोज खाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो फिजिकल को इतना इंपॉर्टेंस आप देते हो कि हम लोगों को फिजिकल फिट होना चाहिए। आप लोग सुबह से अपने माइंड को क्या खाना देते हो, आप वो ही करते रहते हो जो माइंड आपको लेके जाता है। वी हैव अ ट्रेन ऑफ थॉट्स। अभी सपोजिंग आप आज बैठे हैं बॉम्बे में और आपको जाना है दिल्ली, तो क्या आप दिल्ली का फ्लाइट या ट्रेन पकड़ेंगे, क्या आप पूना का पकड़ेंगे, नहीं। सो गो वेयर यू वॉन्ट टू गो, योर थॉट्स शुड बी वॉट यू वॉन्ट देम टू बी। यू ऑल्सो हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि हमारा जो माइंड है ना वो चलते रहते हैं, चलते जैसे बॉडी के पार्ट्स चलते रहते हैं, सांस लेने में हम लोग कुछ एफर्ट नहीं लेते हैं, खाना डाइजेस्ट करने में हम लोग कुछ एफर्ट नहीं लेते हैं, माइंड भी ऐसे ही अपना चलते रहेगा अगर आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो। सो टेक केयर ऑफ योर थॉट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। शुरुआत होती है माँ के पेट से, वहाँ से शुरू होता है
कि कैसे उनका माहौल बच्चे का, जैसे दे आर सो सेंसिटिव, अगर अभिमन्यु ने अंदर बैठ के सब कुछ सीख लिया तो फिर आप सोचो कि एक बच्चा पेट में क्या क्या कर सकता है. सो व्हेन अ लेडी इज प्रेग्नेंट बहुत ध्यान देना पड़ता है, शुरुआत माँ से होती है. अब जिन लोग प्रेग्नेंट होने वाले हैं उनके लिए ये न्यूज़ अच्छी है, लेकिन हम तो पैदा हो गए, हमारे बच्चे भी पैदा हो गए, हमें भी इतना अकल नहीं था उस वक्त कि ऑफकोर्स अवर जनरेशन ऑफ ग्रैंड मदर्स हैव बीन टेलिंग अस अच्छी बातें पढ़ो, अच्छी बातें सुनो, स्पिरिचुअल चीजें सुनो, अच्छी स्टोरीज सुनो, प्रेगनेंसी में अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो. तो स्टार्ट फ्रॉम देयर. उसके बाद आता है फैमिली. जब एक बच्चा फैमिली में आता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव हिम अ गुड नरिशिंग प्लेस, क्योंकि वहाँ से वो बाहर जाता है. सो माँ बाप का प्यार, डैडी अंकल आंटी सब लोग फैमिली में सब अच्छे होने चाहिए, लेकिन क्या ये होता है, ये फिल्मों में होता है और फिल्मों में भी कभी कभी नहीं होता है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड ट्राई अवर बेस्ट टू गिव द चाइल्ड द बेस्ट लाइफ वी कैन, बट 100 times इज नॉट पॉसिबल. एवरीबडी इज फाइटिंग, हस्बैंड वाइफ आर फाइटिंग, दादा दादी आर फाइटिंग, बट स्टिल जितना हो सके बच्चे को हम लोगों को इतना प्यार देना है, इतना प्यार देना है, इतना प्यार देना है कि उसको कभी भी जिंदगी में ये महसूस ना हो कि ही इज एवर अलोन. उसके पास इतना प्यार होना चाहिए. आई नो इट्स लाइक अ फिल्मी थिंग, नॉट इट कैन नॉट बी सेड, बट वी ऑल फील इट ना. आप लोग सब भी ये बात मानते होंगे कि आपके जिंदगी में आपके बच्चे के अलावा कोई चीज इंपॉर्टेंट है ही नहीं. एक इंसान बता दो, एक पेरेंट मुझे बता दो जो आपको ये कहेगा नो मोर देन माय चिल्ड्रन इट्स माय करियर और माय मनी. दे बिहेव लाइक दैट, सम चिल्ड्रन पीपल बिहेव लाइक दैट, बट एक्चुअली इन देयर हार्ट इट इज नॉट लाइक दैट. फादर्स आर वर्किंग, मदर्स आर वर्किंग, दे आर नॉट पेइंग अटेंशन क्योंकि वो दुनिया के चक्रों में फंसे हुए हैं. बट क्या दिल से वो यही चाहते हैं कि हम लोग अपने बच्चों को छोड़ दें, बच्चों से इंपॉर्टेंट हमारे लिए कुछ है? ऐसे कभी नहीं होता है. तो बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों के लिए ये है कि बचपन से ही आपको माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, आपको माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, आपको माँ बाप के लिए ही जो वो कहते हैं वो करना चाहिए. अगर आपके माँ बाप आपको कहते हैं ये आपका दोस्त मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बी केयरफुल, यू शुड लिसन टू देम बिकॉज दे आर मच मोर एक्सपीरियंस देन यू एंड दे नो लिटिल बिट मोर देन यू. सो इफ दे हैव सम फीलिंग अबाउट योर सम फ्रेंड, लिसन टू देम. मे बी दे आर नॉट 100% राइट, लेकिन कभी कभी राइट होंगे. उसके बाद आता है पीयर प्रेशर ऑफ योर स्कूल. इंडियन स्कूलिंग से मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मैं आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट. हमेशा दे टीच यू हाउ टू बिकम फर्स्ट एंड हाउ टू यू नो दे आर नॉट यंगर पीपल आर नॉट लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली. सो इट इज द पीयर प्रेशर स्टार्ट्स फ्रॉम देयर कि हमारा फ्रेंड तो बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है, हम नहीं ला रहे हैं. सो यहाँ पर टीचर्स को ध्यान देना है, यहाँ पर पेरेंट्स को ध्यान देना है दैट दे डू नॉट एनकरेज दीज थिंग्स ओवर देयर. वहां से बच्चे को ना महसूस होने लगता है आई एम नॉट केपेबल इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट केपेबल इनफ. उस स्कूलिंग से शुरू हो जाता है. तो मार्क्स देना, फर्स्ट आना, सेकेंड आना, ये सब चीजें थोड़ा कम एनकरेज करना चाहिए. वेयर देर इज सो मच कॉम्पिटिशन इन स्टडीज बिकॉज एवरीबडी कैन नॉट स्टडी, इट इज वेरी सिंपल. हम लोग सब कुछ नहीं कर सकते हैं. सो कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट यू कैन डू गुड. कमिंग बैक टू यू चिल्ड्रेन, जो बच्चे लोग ये शो देख रहे हैं, आप लोगों की तो और भी बैंड बजी हुई है ये मोबाइल की वजह से. मैं खुद पूरा दिन मोबाइल में घुसी रहती हूँ तो आप लोग का भी ये हल हो गया है. तो जो एनर्जी डिप्लीट होती है हमारी स्क्रीन को देख देख के, ये न्यूज सुन के, वो न्यूज सुन के, ये उसने किया, वो उसने किया, इतने बिलियन डॉलर, इतने ये हमने कभी बचपन में देखा ही नहीं. सर देयर वाज नो कॉम्पिटिशन, खाओ पियो एक मस्त लाइफ हुआ करती थी. अभी बिकॉज ऑफ इंटरनेट इतना बुरा हाल हो गया है. एवरीबडी, एवरी टॉम डिक एंड हैरी सिर्फ यही देखता है सामने वाले के पास कितने करोड़ हैं, वो कौन सी गाड़ी है. यू आर लुकिंग देयर एंड यू आर मिसिंग टुडे. प्लीज लिव इन टुडे. आज नहीं आने वाला है दोबारा. आपके पास पैसा आ सकता है, आपके पास धन दौलत आएगा, अवार्ड्स आएंगे, रिवॉर्ड्स आएंगे, लेकिन आज दोबारा नहीं आएगा. आप वापस इस उम्र के नहीं होने वाले हो. और अगर आप लोग अभी देखोगे तो यू हैव गॉट एवरीथिंग. ऐसी कौन सी बात की कमी है जो आपके पास नहीं है आज, अगर आप क्वारंटीन में भी फेसबुक बैठ के देख रहे हो. सो मेक श्योर दैट यू आर जस्ट एंजॉयिंग द प्रेजेंट, डोंट थिंक अबाउट टुमारो. कल की फिक्र मत करो. दो मैं काम ही फ्यूचर का करती हूँ. आई ऑल्सो डोंट बिलीव मच इन माई ओन फ्यूचर एंड आई डोंट वरी अबाउट माई ओन फ्यूचर. आई हैव नथिंग टू डू विद माई फ्यूचर, क्योंकि वो जब आना है तब तो वो आएगा. टूडे इज वॉट आई हैव गॉट एंड टूडे इज अ गिफ्ट. सो लेट अस मेक श्योर कि आज मैं खुश रहती हूँ. खुश रहने के टिप्स भी मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ. लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि आपके सोशल मीडिया ने आपको ये सिखाया है कि एम्स रखो, गोल्स रखो, ये करो.
आप एम्स रखो, गोल्स रखो, ठीक है, अच्छी बात है, आपको ये अचीव करना है लाइफ में, आपकी लाइफ है, आपके सपने होने चाहिए, बट उनको इतना इम्पोर्टेंस मत दो कि आप अपनी फैमिली, अपने लाइफ, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपने आप को कुर्बान करो। क्या हो जाएगा, 10 करोड़ की हो जाओगी। आज वॉरेन बफे ने क्या किया इस टाइम इन दिस पैंडेमिक, वॉरेन बफे जैसे ने अपना बहुत कुछ खोया है, चलो वो तो बहुत बड़ी चीज है, उन्होंने अगर खो भी दिया तो बहुत कुछ स्टिल उनके पास है। मैं आपको पूछ रही हूँ, जिन लोगों ने अपने वाइफ को या बच्चों को लास्ट ईयर हॉलीडे पे नहीं लेके गए और वो पैसा उठा के शेयर मार्केट में डाला होगा, तो आज क्या हुआ उनका, दैट मनी इज गॉन, बिजनेसेस आर गॉन, सो मेनी बिजनेस हैव क्लोज डाउन। तो जिन जिन लोगों ने ये आज के दिन के लिए इतना पैसा जमा करके रखा था, सब चला गया। सो डोंट बी वरीड अबाउट मनी, ऑक्सीजन रोज आती है, पैसा भी आ जाएगा, पैसा भी आ ही जाएगा। इमिग्रेंट वर्कर्स ने आपको दिखा दिया कि जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है, उन लोगों को भी कोई ना कोई बिस्किट, चाय, दूध, पानी जाके दे ही जाता था, एवरी डे दे यूज्ड टू गेट समथिंग टू ईट। सो हमें हर चीज मिलेगी जब तक हम लोग जिंदा हैं। डोंट गेट कैरिड अवे विद मनी, आप मनी के पीछे भागोगे मतलब क्या, पीछे आगे कैसे रहोगे, आगे नहीं रहोगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको सरदर्द होता है तो आप क्या करते हो, इमीडिएटली गोली खाते हो, 2 मिनट भी नहीं रुकते हो, सैलेडॉन ढूंढते हो। जिसको ब्लड प्रेशर होता है आपको पता है, उन लोगों को जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है, जिंदगी भर, टिल दे आर अलाइव दे हैव टू ईट ब्लड प्रेशर टैबलेट्स। सो क्या आप एक साइकेट्रिक गोली नहीं ले सकते हो, क्या होता है साइकेट्रिक गोली लेने में, क्या इसका मतलब है हम लोग पागल है, नहीं। जिसको ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है वो दवाई खाता है, जिसको डायबिटीज है वो दवाई खाता है, आपके बॉडी में पेन है आप दवाई खाते हो, तो माइंड का पेन आप किस लिए दबा के रखते हो, आप क्यों नहीं अग्री करते हो कि आप सैड हो, आप डिप्रेस हो, आपका मोटिवेशन खत्म हो गया है, आपके साथ सही नहीं हो रहा है। मुझे बताओ कोई एक इंसान जिसके साथ सही हो रहा है, या भगवान, कौन सा भगवान है जिसके साथ सही हुआ है। श्री राम की तो आज तक बैंड बजी हुई है, अभी तक तो मंदिर नहीं बना, पहले मंदिर तोड़ा किसी ने, फिर मस्जिद तोड़ा किसी ने, और अभी ना मंदिर है ना मस्जिद है, उनके पास तो सर पे छत ही नहीं है और आज तक बना नहीं है, और अगर अभी बन भी जाता है तो उनको क्या पड़ी है, हजारों करोड़ों का मंदिर बनने वाला है अयोध्या में, उनको क्या करने गए, वो तो अपना खुश थे, रावण को जाके मार के आए, वनवास में भी खुश थे, 14 साल वहां भी खुश रहे। श्री कृष्ण के मामा उनके पीछे कभी पड़े थे, जब वो अपनी माँ के पेट में थे तब से श्री कृष्ण के मामा उनके पीछे पड़े थे, उनको इजी मिला, जीसस क्राइस्ट को इजी मिला, मोहम्मद को इजी मिला, कोड़ों से मार दिया गया। आज मुहर्रम मनाया जाता है, लोग अपने आप आग पे चलते हैं, मगर उस वक्त उनके साथ ये किया गया। सिखिज्म के गुरुज देख लो, किसी के साथ भी कभी अच्छा नहीं होता है, इसीलिए वो गाना है, धरती पे हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ये गाना हम लोग बचपन से सुन के बड़े हुए हैं, इसीलिए शायद उस जमाने में गानों में फीलिंग थी, दर्द था, सब कुछ था, सो वी कुड वी यूज्ड टू, अभी भी हमारे उम्र के लोग यही करते हैं, वही गाने सुनते रहते हैं, सो वी कनेक्ट अवर लाइफ टू दोस थिंग्स। अभी खैर वो सब नहीं है, अभी तुम लोगों का टाइम अलग हो गया है, सो यू ऑल्सो हैव टू चेंज अ बिट, डोंट थिंक टू मच, डोंट वरी टू मच, छोड़ो। आपके जमाने का एक गाना बताती हूँ जो मेरा फेवरेट है, जब मेरा मूड डाउन होता है मैं सुनती हूँ, कांटे पिक्चर का गाना है ये, अमिताभ बच्चन जी ने और ये सब जो भी लोग थे कांटे पिक्चर पे सबने गाना गाया है, छोड़ना 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 रे, छोड़ना भेजा फोड़ना रे, ये गाना जरूर सुनिए, इमिडिएटली आपका मूड लिफ्ट हो जाएगा, ये दुनिया उनिया में कुछ नहीं रखा है, जस्ट एंजॉय लाइफ एंड प्लीज विजिट अ साइकेट्रिस्ट। ये जो गोली की मैंने बात की थी वो इसलिए की थी कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू विजिट अ साइकेट्रिस्ट। अभी मैं वो पेपर ढूंढ रही हूँ जहाँ मैंने लिखा था डॉक्टर चौगले का नंबर। अब जो लोग पूना में हैं, पहले जमाने में तो ये होता था कि पूना में है डॉक्टर चौगले, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स दूसरे सिटीज से भी आते थे इनको मिलने के लिए, लेकिन अभी तो सब ऑनलाइन हो गया है, तो ये पैंडेमिक ने इतना सिखा दिया है कि डॉक्टर्स भी ऑनलाइन हो गए हैं, हम लोग भी ऑनलाइन है, सब लोग ऑनलाइन है। तो प्लीज जिन लोगों को, जिनके घर में आप खुद अगर डिप्रेस्ड हैं, आपके माँ बाप डिप्रेस्ड है, या कोई भी आपको आसपास लगता है ही नीड्स अ साइकेट्रिस्ट हेल्प, प्लीज कॉन्टेक्ट माई डॉक्टर चौगले, ही इज द बेस्ट डॉक्टर। हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स मैंने अपने क्लाइंट्स उनके पास भेजे हैं, दे आर वेरी वेरी हैप्पी। ही इज एट नल स्टॉप इन पुणे, डॉक्टर शैलेश चौगले। प्लीज उनका नंबर लिखिए, 9422001070,
9422001070। सरदर्द के जैसा ही डिप्रेशन होता है, एक गोली खा के अब ठीक हो सकते हो। अब थोड़ी कॉल्स लेते हैं बिकॉज बहुत सारे लोग अभी बेताब है अपने बारे में जानने के लिए। ज्योति कोचर, ये मैं जरूर लूंगी क्योंकि ज्योति का नाम, ज्योति क्या होता है, जलना। सो ज्योति का जो नाम है इसका मीनिंग ही बर्निंग है। तो जितने भी लोग ज्योति होते हैं मोस्टली उनको ज्यादा तकलीफ होती है दूसरे लोगों से। सो जे ओ जे वाई ओ टी आई डबल ई कर दो, आई भी रखो, जे वाई ओ टी आई आप रखो, डबल ई कर दो। कोचर का एक एच हटा दीजिए ज्योति। रोज आपको 24 टाइम्स ज्योति पेपर पे लिखना है, गोइंग अपवर्ड, अंडरलाइन नीचे टू डॉट्स। आप नंबर टू हैं। अभी यहां पर मैं आपको ये भी बताऊंगी, 2748 कैंसरियंस कैप्रिकॉन, ये लोगों को दूसरे नंबर से थोड़ा ज्यादा डिप्रेशन आता है। दूसरे नंबर्स को भी आता है, नंबर वन भी कभी कभी सैड रहता है, नंबर नाइन जो इतना एक्टिव नंबर है, डिशुम डिशुम वाला नंबर है, कभी कभी वो भी डिप्रेस रहता है, वो अलग बात है। बट जनरली 2748 ये लोग होते हैं अधिकतर जिनको डिप्रेशन के ज्यादा चांसेस होते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल, विजिट अ डॉक्टर। आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग केसेस आए हैं, लेकिन मेरे को एक्चुअली ये शुरू में ही बोलना चाहिए था, मेनली पीपल विद प्रॉब्लम्स, एनी टाइप ऑफ साइकेट्रिक और मेंटल डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन है, गोली है, गोली खा रहे हो, समथिंग रॉन्ग फिजिकली मेंटली, आई वुड लाइक टू टेक दोज केसेस मोर देन करियर कैसे होगा और मैरिज कैसे होगा। सो यहाँ पर है देवो स्मिता रॉय, 7th of June। अब अगर मैं आपको बोलती हूँ कि ये नंबर्स में ज्यादा डिप्रेशन होती है, इसका ये मतलब है कि आप लोग सावधान रहो, है ना। हमारे न्यूमरोलॉजी में सिर्फ 9 नंबर्स हैं, भगवान ने 9 ही बनाए हैं, 9 कैरेक्टर्स हैं, 9 अलग अलग टाइप के आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगे, सबको कुछ भी सेम नहीं मिलता है। 9 नंबर के लिए हम लोग कहते हैं आप लोगों को एक्सीडेंट्स आप लोगों के ज्यादा होते हैं, गिरते पड़ते रहते हैं, खड़े भी रहेंगे तो भी पीछे से कोई गाड़ी आके 9 नंबर को ठोक देती है। 1 के लिए भी से ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो एवरी नंबर हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ डिजीज। सो थोड़ा सा डिप्रेशन नंबर 2, 7, 4 और 8 के लिए ज्यादा आया है। नंबर 7 भी बहुत जल्दी लो फील महसूस करने लगते हैं। देवो स्मिता रॉय, अभी आप पैदा हुए हो सेम डेट ऑफ एकता कपूर, नाउ यू हैव सीन दैट लेडी फ्रॉम स्क्रैच टिल टुडे। नो डाउट ये साल उनको थोड़ी तकलीफ हुई, लोगों ने बहुत कुछ कहा, बट एट द सेम टाइम ये साल किसको तकलीफ नहीं हो रही है। तो ये साल की जहां तक बात आई है, लेट मी टेल यू, एवरी हाउस होल्ड देयर इज अ प्रॉब्लम। बड़े बड़े लोगों को तकलीफ हो रही है, नोबडी इज हैप्पी। पहले क्या होता था, शनि किसी किसी घर में अलग अलग टाइम पे जाता था, इस बार तो ऐसे लग रहा है कि पूरे दुनिया को लपेटे में लिया है, नॉट ओनली आवर कंट्री बट वर्ल्ड ओवर देयर आर प्रॉब्लम्स। सो दिस ईयर यू गाइस प्लीज बी केयरफुल, 6 महीने गुजर गए हैं, अगले 6 महीने भी आराम से गुजर जाएंगे, ऊपर वाला है साथ में, ट्रस्ट बिलीव वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस, डोंट स्ट्रगल। जब हम लोग को गाड़ी भगवान एक तरफ लेके जाता है और हम लोग स्ट्रगल करते, नहीं मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, योर देयर इज सो मच कॉन्फ्लिक्ट, देयर शुड नेवर बी कॉन्फ्लिक्ट, एक्सेप्ट थिंग्स, गो विद द स्ट्रोक, जहां दुनिया लेके जाती है ले जाने दो, क्या करना है। अल्टीमेटली हम लोग सब ऊपर मिलने वाले हैं, कोई 50 साल में, कोई 60 में, कोई 70 में, कोई 80 में, अल्टीमेटली अगर आप 90 साल के भी जिए, विच इज वेरी रेयर, तो जो कुछ रेयर लोग जीते हैं, अगर आप 90-100 साल के भी जीने वाले हो, How does it matter? ये 100-90 साल ही हो आप इधर, and how quickly it gets over, ask me, मेरे 55 खत्म हो गए हैं। So please don't waste a single day being unhappy. देवो स्मिता, आपका न्यू स्पेलिंग मैं देना चाहूंगी, देवोस्मिता में एक ए डाल दीजिए, एंड हमेशा आप देवोस्मिता रॉय लिखेंगे पूरा नाम, डोंट राइट जस्ट योर सिंगल नेम। सो एज आई सेड, प्लीज दोज गाइस
राइट टू मी डोंट राइट हाउ टू प्रोग्रेस, वो हम लोग कभी भी कर सकते हैं. हाउ टू प्रोग्रेस इन बिजनेस, माई डियर, इस वक्त बिजनेस के सबके हालत खराब है. डू नॉट वेस्ट योर मनी इन एनी न्यू बिजनेस. कोई भी बिजनेस आपको जो भी मिल रहा है विदाउट इन्वेस्टमेंट, उसमें आप जरूर जाइए. जहां भी आपके 50,000 के ऊपर लग रहे हैं उसको हाथ भी नहीं लगाना, क्योंकि ये साल कोई गारंटी नहीं है क्या होने वाला है. जय राठी है, 26 नवंबर 87, उन्होंने सिर्फ प्लीज हेल्प लिखा है और कुछ नहीं लिखा है. सो जय राठी, हियर यू गो, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग 27 नवंबर. 27 नवंबर मींस यू आर अ सजिटेरियन फुल ऑफ एनर्जी. जय राठी, तुम्हारे स्पेलिंग में काफी चेंज आए हैं, ध्यान से लिखो. 26 के बदले अपना बर्थडे 24 को ही मना लिया करो. एंड एक्सरसाइज इज नॉट ओनली फॉर सैजिटेरियन, तुमसे ज्यादा जरूरत मुझे है और मैं थोड़ा बहुत करती भी हूँ अभी. आई बिकम अ गुड गर्ल एट दिस एज एंड आई एम वर्किंग आउट लिटिल बिट, एक्सरसाइज वॉकिंग कुछ तो करती हूँ. बट जय राठी, वेयर यू आर कंसर्न, एवरी डे टिल यू आर अलाइव यू हैव टू एक्सरसाइज. एंड रेस्ट ऑफ यू जो ये शोज देख रहे हैं, इस साल तो बिल्कुल एक भी दिन मिस मत करना. एक्सरसाइज से ऐसे हॉर्मोन्स क्रिएट होते हैं दैट कीप अस हैप्पी, सो दैट इज वन मोर वे टू बी हैप्पी टू वर्क आउट एवरी डे. आपको मन से खुशी होगी एंड डिप्रेशन कम आएगा. देर इज योगा, देर इज मेडिटेशन, देर इज एक्सरसाइज, देर आर मेनी थिंग्स वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ दिस ईयर. स्पेशली सिर्फ कितने मार्क्स आए, कितने पैसे कमाए, कितने मार्क्स आए, कितने पैसे कमाए, ये सब यहाँ छोड़ के जाओगे. मार्क्स भी यहाँ छोड़ के जाओगे, पैसे भी यहाँ छोड़ के जाओगे. सिर्फ ये बॉडी आपके साथ लास्ट तक रहेगी, आपका माइंड आपके साथ लास्ट तक रहेगा. सो जय राठी, स्पेलिंग लिखो जे ए वाई, ऐसे ही रहेगा. आर ए डबल टी एच ई करोगे आप, आर ए डबल टी एच ई, ये नाम चारों तरफ आप लोगों को बैंक पासपोर्ट पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस हर जगह पे चेंज करने का है. एंड एवरी डे तुम जय राठी 24 टाइम्स साइन करोगे, अपना बर्थडे 24th को मनाओगे, एक्सरसाइज करोगे एंड लर्न टू बी हैप्पी. वी फॉरगेट, आपको पता है ना बच्चा कैसे पैदा होते ही इतना हंसता रहता है, बिकॉज ही डजंट नो इन दुनिया में कितना गंदगी है. हम लोग को आस्ते आस्ते पता चलती है, ओ वी आर नॉट केपेबल, ओ हम लोग का बॉडी ठीक नहीं है, ओ हमारा नाक ठीक नहीं है, ओ मेरे थोड़ा कलर काला है, ओ मैं तो इतनी मोटी हूँ. हम लोग ये सब करते 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 अपनी बैंड बजा देते हैं. यू गाइस इज चिल, तुम लोग चिल जमाने में पैदा हुए हो और तुम लोग सबसे ज्यादा डिप्रेस रहते हो यार, कमाल है. हमारे जमाने में चिल वर्ड नहीं था, वी नेवर न्यू हाउ टू चिल, मगर हम लोग चिल करते थे. सो चिल, टेक इट इजी, इफ रिक्वायर्ड सी अ साइकेट्रिस्ट, बट मोस्टली एक्सरसाइज. एक्सरसाइज इज डैम गुड टू कीप यू वेरी मच गुड. अगेन आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट, लिखा नहीं है, प्रॉब्लम. अच्छा डॉली कपूर, डॉली कपूर है बॉर्न 2 जैन 72, तो इनको अभी फिलहाल टेंशन है सब लोगों के जैसे. एक्चुअली सब लोगों को ही टेंशन है और इस शो में हम लोग जितना हो सके लेंगे केसेस. बट वेरी इंपॉर्टेंट टू हियर द लास्ट व्हेन आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल टिप्स व्हिच विल एज इट इज मेक यू ऑल राइट. इफ यू आर नॉट ऑन माय यूट्यूब चैनल प्लीज गो एंड सब्सक्राइब ओवर देयर. इतने वीडियोज हैं जो आपको सिर्फ वो देख के ही आपकी लाइफ आधे से ज्यादा वैसे ही ठीक हो जाएगी, बिकॉज हमारे न्यूमरोलॉजी में हर चीज का सोल्यूशन है. गाड़ी नहीं ठीक चल रही है, ठीक है हम लोग रिपेयर करेंगे. बुखार हो गया है, ठीक है क्रोसिन खाएंगे. कुछ गड़बड़ चल रही है, कोई बात नहीं, न्यूमरोलॉजी विल गिव यू रिस्पॉन्स फॉर एवरीथिंग. योर नेम हैज गॉट द पावर. आपके नाम में, आपके कपड़े आप क्या पहनते हो, आप कौन से नंबर्स यूज करते हो, आप कौन से घर में रहते हो, आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, ये छोटी छोटी चीजें इतना कुछ आपके लिए करती है. यहाँ पर मैं ब्लैक कलर के आऊंगी, मैंने बोला था आई विल नॉट टॉक अबाउट सम थिंग्स, बट फिर मुझे याद आ गया है ब्लैक कलर के कपड़े पहनने से भी बहुत तकलीफें आती हैं. सो आई वुड लाइक टू गिव डॉली हर स्पेलिंग. डॉली यू आर कमिंग ऑन अ लकी नंबर, लेकिन अगर आप पूरा नाम लिखोगे तो थोड़ा ऑड कर रही हूँ मैं आपके नाम को, डी ओ यू एल एल वाई कर रही हूँ, डॉली, नो प्रॉब्लम, लेट पीपल कॉल यू एनीथिंग. आप मेरे को स्वेटा तो बुलाते नहीं हो, मैंने स्वेटा लिखा है. सो डी ओ यू डबल एल वाई के ए पी यू आर, ये नाम आप रोज 24 टाइम्स लिखो. सिर्फ इसको लिखने से एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है.
सो जो आपकी न्यूज वाली हम लोग देखते हैं अभी, जो आप लोग हो जिन्होंने हमसे कंसल्ट नहीं किया है, उन लोगों को अपनी स्पेलिंग रोज बैठ के 24 टाइम्स नहीं लिखना है। अगर आपकी स्पेलिंग गलत नंबर पे आ रही है तो आपको बहुत तकलीफ होगी। सो ओनली पीपल हु आर जर्मनीफाइड हैव टू राइट देयर स्पेलिंग 24 टाइम्स एवरी डे टू क्रिएट द मैजिक फ्रॉम दैट एक्स्ट्रा अल्फाबेट, या जो हमने अल्फाबेट डाला है या निकाला है, जैसे हमने अजय देवगन का निकाल दिया था। सो निकालो या डालो, वॉट एवर यू डू इट हैज टू बी प्रॉपर। सो डॉली कपूर जी आप वो करोगे, 24 हाथ पे लिखोगे, ब्लू येलो व्हाइट ये कपड़े ज्यादा पहनोगे। July 19th, अगेन कैंसर। कैंसेरियंस ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, दे आर वेरी गुड पीपल बिकॉज दे आर वाटर साइन। जितना ऊपर दुनिया के लिए करते हैं उतना ही डीपली वो लोग दुनिया के लिए सोचते हैं, और बहुत ज्यादा जो दुनिया के लिए सोचता है उसको गड़बड़ी होती है। सो मयूरी मारू, मयूरी मारू को आपको सिर्फ एक डबल यू करना है। नहीं, आई कैन गिव यू दैट, सॉरी। मयूरी को डबल ई करना है। मयूरी को डबल ई करना है, मारू को एम ए आर यू करना है। 24 टाइम्स आपको रोज ये लिखना है, मयूरी 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 गोइंग अपवर्ड, स्टेबिलिटी आएगी। एक तो मेरे को स्टेबिलिटी का मतलब नहीं समझता यार, तुम लोग को सबको स्टेबिलिटी चाहिए, कभी आती है स्टेबिलिटी, पता है ना आपको। रोज एंजॉय करो, रोज एक नई जिंदगी है, क्यों आपको सेम 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 रूटीन करना है, क्यों आपको स्टेबिलिटी चाहिए, उसी जॉब में रहना है, उसी बिजनेस में रहना है, वही सब कुछ, बस जिंदगी अच्छे से चली जाए, वो क्या है, इसलिए थोड़ी पैदा हुए हम लोग। कुछ एक्साइटमेंट करना है, आज कुछ और करना है, कल कुछ और करना है, थोड़ा क्रिएटिव बनो, थोड़े अलग अलग चीज़ें करो, थोड़े हॉबीज डेवलप करो। आप लोग सिर्फ ऑफिस जाना, पैसे कमाना, घर चलाना ये मत करो, ट्रैवल, सी द वर्ल्ड। भगवान ने हमको ये दुनिया में क्यों भेजा है? अभी आप में से जो पेरेंट्स हैं, आप ये चाहते हो कि आपका बच्चा घूमे, दुनिया देखे, आप कितने भी सैक्रिफाइसेस कर लोगे लेकिन उसको आप अच्छे स्कूल में डालोगे, उसको आप हायर एजुकेशन में डालोगे, उसके लिए आप कुछ भी करोगे, बिकॉज यू वॉन्ट द बेस्ट फॉर हिम। तो जो ऊपर बैठा हुआ है उसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, इतनी बड़ी दुनिया में इतने सारे चीजें बनाई है, ही वॉन्ट्स बेस्ट फॉर एवरीबडी, नॉट ओनली एज ह्यूमंस, फॉर द एनिमल्स, फॉर एवरीबडी ही वॉन्ट्स द बेस्ट। तो स्टॉप वरिंग अबाउट एनीथिंग एंड एंजॉय योर टुडे। सब लोग कहते हैं पैसे बचाओ फिर उसके बाद खर्चा करो। मैं कहती हूँ पहले अभी तो एंजॉय करो, जवानी तो एंजॉय करो, बुढ़ापे में आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, आप कौन से हॉलीडे पे जाओगी, क्या कर लोगे उन पैसों का, बैंक में रखोगे? तो अभी तो बैंक तो वैसे ही लूट रही है सब लोगों को। सो दिस सो मच थिंग्स हैपनिंग अराउंड, सो व्हाटएवर यू हैव in that much money, enjoy yourself and then think about everything else. हाँ, अभी ये एक question हमेशा मेरे को आता है, what about success in life? किसको पता था success क्या होता है? तुमने जिंदगी में ऐसा क्या किया है? हर्ष सस ने, तुम पूछते हो what about success in life? तुमने क्या किया है जो तुमको success मिले? बताओ। What have you done? You're only born in 1990. That means you're 30 years of age. तुमने लाइफ में ऐसा क्या काम किया है, मुझे लिख के आंसर करो इधर ही। व्हाट हैव यू गिवन टू दिस वर्ल्ड दैट यू आर एक्सपेक्टिंग सक्सेस इन रिटर्न? फर्स्ट गिव गिव गिव, बहुत देना पड़ता है, बहुत 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 कुछ। यू हैव टू जस्ट कीप गिविंग, हैव अ गिविंग हार्ट। व्हेन यू हैव अ गिविंग हार्ट, अपने आप यू बिकम ऑलराइट, देन यू डोंट फील कि मेरे पास कुछ कम है। इस पैंडेमिक में तो सीखो कि हमसे कितने गरीब हैं, हमसे कितने लोग बुरे हैं, हम लोगों से कितने लोगों ने ज्यादा स्ट्रगल किया है, कितने लोगों चप्पलों का फोटोज आते थे ना इंटरनेट पे, बिना चप्पल के चले जा रहे हैं। तो आपको और मेरे को क्या प्रॉब्लम है यार, हम लोगों के पास फोन है, इंटरनेट है, हम लोग घर में बैठ के ये शो मैं कर रही हूँ, तुम लोग देख रहे हो। वॉट इज द रीजन फॉर अस टू बी हैप्पी आफ्टर दिस पैंडमिक? एटलीस्ट लर्न समथिंग। कुछ कुछ जिंदगी में होता है, उससे भी हम लोग नहीं सीखेंगे तो फिर वॉट इज द पॉइंट?
become smart now. This pandemic has shown you कि सबके businesses डूब चुके हैं, लोग बेघर हो चुके हैं, immigrant workers की जान चली गई थी, मर रहे हैं लोग बीमारियों से, कोरोना कभी भी आ सकता है, किसी के पास भी आ सकता है, तो still we are mentally unhappy, we can die anytime. और forget corona and forget all these things. वैसे भी एक एक क्षण का पता नहीं है, किसको पता कर हो ना हो. So today we have to make the best of it. This is all I will tell you. I will take one or two more cases and then I will wind up this show. I hope I have put my thoughts in your life. छोड़ना 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 रे. I hope I have done that. Learn to change your attitude. Do not go after things which are temporary. Everything is temporary. Name है, fame है, पैसा है. Only thing जो आप आपके साथ लास्ट तक जाएगा ना, आपको क्या चीज पसंद है, कहाँ आप नेचुरली जा रहे हो, कौन सी चीज आपको अपनी तरफ घसीट रही है, पुल कर रही है. ड्राइंग है, पेंटिंग है, म्यूजिक है, फिटनेस है, मेरे लिए न्यूमरोलॉजी है, अमिताभ बच्चन जी के लिए एक्टिंग है. इस पैंडेमिक में उन्होंने 2-3 पिक्चरें बना ली. घर बैठा नहीं जाता है उनको इस उम्र में. हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल से शायद सीधा सेट पे पहुंच जाते होंगे, क्योंकि ही डजंट लाइक एनीथिंग अदर देन एक्टिंग. इफ वी आर अलाइव एट हिज एज, वी शुड लिव लाइक हिम. Every day excitement, every day something new to do, every day another role to play, every day camera, light, camera, action. He takes every day and gives something. और आप लोगों को भी पसंद आते हैं ना इस उम्र में भी, वो आपको कोई और करोड़पति बनने नहीं बने, वो बन रहे हैं. आप लोग रोज उनको देखते हो, आप लोग उनको इतना पसंद करते हो. Why? Because he's giving whatever he has. जो उनको आता है, जो एक्टिंग उनको आती है, जो उनको रोल मिलता है वो करते हैं, आपको देते हैं, आपको खुश करते हैं. He has made a lot of money, he has made a lot of name and fame. But now he is just giving because it's still there inside him to give. So do that. आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज है? There are buyers everywhere. ये मत सोचो मेरे को कोई स्किल्स नहीं है. इसे बहुत बच्चे माँ बाप मेरे को बोलते हैं, नहीं नहीं मेरे बच्चे में तो कोई स्किल्स नहीं है. तो क्या सचिन तेंदुलकर को मालूम था या उनके फादर को मालूम था इसमें क्या स्किल्स हैं? किसी को विराट कोहली को मालूम था? किसी को क्या मालूम था? Nobody knows. हम लोग को खुद, मेरे ब्रदर एंड मी वर द मोस्ट एमलेस पीपल इन द वर्ल्ड. हम दोनों बचपन से काम कर रहे हैं. सो वी शुड जस्ट गो टू कॉलेज नाम के लिए, एंड कॉलेज से हम लोग दोनों अपने अपने काम पे चले जाते थे, घर पे रात को आते थे. फ्रॉम अ वेरी यंग एज, फ्रॉम द एज ऑफ 15 एंड 16, माई ब्रदर संजय एंड मी हैव बीन वर्किंग. That is why from that age to coming till here, we have got so much experience and we know कि यार क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा. हर वक्त हमारे घर में 2 रोटी थी, हर वक्त पेरेंट्स का प्यार था, हर वक्त सब अच्छा था. सो डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली. इफ आई कैन कम फ्रॉम देयर टू हियर, इफ शाहरुख कैन कम फ्रॉम देयर टू हियर, इवन यू हैव अ चांस. वी हैव समथिंग टू गिव, एंड वंस यू हैव समथिंग टू गिव, तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस दुनिया से कम हो जाती हैं. तुमको ये पता चलता है, हाँ मेरे पास ये गुण है और मैं ये प्रेजेंट करूंगी, मेरे को ये पता है कि ये चीज का डिमांड है. इवन इफ इट इज अ पेंटिंग, इवन इफ इट इज अ सिंगिंग, लोग सोचते हैं ये बहुत कंपटीशन है. कहाँ कंपटीशन है, क्यों कंपटीशन है? ज्वेलर्स की दुकान देखिए, एक साथ 10 खड़े होते हैं. कॉम्पिटिशन इज गुड. 10 लोग एक ही ज्वेलरी मार्केट में क्यों बेचते हैं? क्योंकि कोई डिजाइन यहाँ है, कोई डिजाइन वहां है, सब लोगों का सब कुछ बिकता है. एक ही इंसान सोलो मोनोपोली नहीं चलती है कहीं पर भी. इट नेवर इज अ सक्सेस. So always remember, competition is good. अपने आप से ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है. पहले तो मेरी तरफ से आप लोग अपने दिमाग में ये डाल दो कि you are the most beautiful soul on earth. Because अगर आप जिंदा हो, अगर आप सांस ले रहे हो, अगर आप इस वक्त कहीं हो, आप किसी के लिए पैदा हुए हो. आपके माँ बाप को खुशी देने के लिए पैदा हुए हो, अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को खुशी देने के लिए पैदा हुए हो, किसी गरीब को खुशी देने के लिए पैदा हुए हो, आप कुछ ना कुछ करने के लिए इस दुनिया में हो. बिना मतलब के ऊपर वाला नहीं बनाता है फालतू चीजें. आप फालतू नहीं हो, मैं फालतू नहीं हूँ. जस्ट बिकॉज मैं मोटी हूँ, मैं भी बहुत साल डिप्रेस थी, अभी ये उम्र में इसलिए बोलना ठीक है. बट ये इज टू पुल मी डाउन, बट नाउ आई डोंट केयर, बिकॉज आई हैव समथिंग बेटर टू डू, आई हैव समथिंग बेटर टू गिव यू. आई हैव समथिंग इन मी विच आई सॉ एंड आई पॉलिश्ड. और आप सब लोगों को भी मैं यही बोलती हूँ, प्लीज अपने अंदर देखो तुम्हारे को जो आता है. और मेन चीज है, तुम किस में खुश रहते हो? सोने में खुश रहते हो तो फिलहाल सो लो, जितना सोना है सो लो, जितना सोना है उतना सो लो, जितना टीवी देखना है उतना टीवी देख लो. एक दिन थक जाओगे एंड देन यू विल गेट बैक इनटू एक्शन.
बिकॉज सब लोग सो सो के थक जाते हैं, सब लोग टीवी देख देख के थक जाते हैं. सो अगेन लेट मी टेक वन और टू केसेस. हर्ष ससाने, तुम 21st को पैदा हुए हो, नंबर 3 हो, तुमको पैसों की बहुत फिक्र रहती है. अगेन एज आई सेड, हमारी गलती नहीं होती है, हम जिस नंबर्स के अंदर पैदा होते हैं सब कुछ खेल उन्हीं का होता है. सो हर्ष, तुम सिर्फ ससाने में से एक ए हटा दो, दो ए हैं, दोनों में से एक कम कर दो जो तुमको पसंद है, और हमेशा अपना पूरा नाम लिखो. महेश शिंदे, उनका जो नाम है, लेट मी चेक, महेश शिंदे का नाम है लकी नंबर पे. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम ऑलरेडी लकी होता है. महेश शिंदे आप उनमें से हो. 7 आपका बर्थ डेट है. थोड़े से सैड रहते हो, बहुत जल्दी डिप्रेस रहते हो, सो डोंट वरी, यू विल बी ऑल राइट. एंड पूरा नाम हमेशा लिखो, डोंट राइट ओनली महेश, ऑलवेज राइट महेश शिंदे. हेल्थ वाइज आपका सब कुछ मेंटल है. हम सबका, जितने भी लोगों को फिजिकल भी तकलीफ हो रही है ना, इट इज एक्चुअली ओनली योर मेंटल डिजीज, इट इज नथिंग इज फिजिकल. ये सब पहले अपना शुरुआत माइंड से होता है और फिर बॉडी में जाता है. सो महेश, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर हैप्पी एंड नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग इन लाइफ. आपको खुश रहने की कोशिश करनी पड़ेगी. ये मैं सबको कहती हूँ, बहुत एफर्ट लगता है खुश रहने में, दुखी रहने में ऐसे पूरा दिन आप रह सकते हो, हंसने में, ट्राइंग टू बी हैप्पी पॉजिटिव, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. सो दैट्स व्हाई पीपल डोंट डू इट. कौन इतना एफर्ट लेगा, बट कीप टेकिंग दैट एफर्ट बिकॉज यू आर स्पेशल. यू हैव कम टू दिस अर्थ फॉर समथिंग गुड. You have not come here for just nothing and to waste your life. You have not come here for that. So before I wind off, I would like to tell you a few things which I had noted down. Abhi pata nahi okay par gaya. Yeah. How numerology can keep you happy? सबसे पहले हम लोग आपका spelling ही ऐसे number पे लेके आते हैं that denotes peace, happiness, love and all good things. So पहली चीज होती है spelling. कुछ लोगों की मदद आज करने की कोशिश की, बाकी you all can contact us. And other thing is black. इसके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ. Black काला होता है, मनहूस होता है, शनि भगवान. It's falling. I thought it's falling. Sorry guys. Slip हो रहा है. Better. Thank you. So black बिल्कुल पहनना बंद कर दीजिए. मनहूसियत होती है. व्हाइट एंड ब्लू कलर्स अपने आसपास, अपने कपड़ों में, अपने हाउस में, अपने इंटीरियर्स में, हर चीज में जितना हो सके व्हाइट कलर यूज कीजिए. इट्स द कलर ऑफ प्योरिटी एंड हैप्पीनेस एंड यू विल ऑल्सो फील वेरी नाइस व्हेन यू आर इन अ लाइट रूम, यू नो. एंड ब्लू कलर आपके लिए बहुत अच्छा है. बाकी अलग अलग लोगों का अलग अलग कलर होता है, उसकी भी वीडियोज आप मेरे यूट्यूब पर जाके देख सकते हो. इस दौरान ही नहीं, हमेशा थोड़ा योगा मेडिटेशन आपको करना चाहिए. इट्स वेरी गुड, इट्स डिफिकल्ट. इवन आई गो ऑफ टू स्लीप व्हेन आई थिंक आई एम मेडिटेटिंग, लेट इट बी, बट सिट 10 मिनट्स, ट्राई टू बी काम, क्वाइट, दैट्स इम्पोर्टेंट. छोटे से छोटा आपको ऐसे मौका लगे ना कि आपको लगता है यू नीड अ साइकेट्रिस्ट, जस्ट गो एंड मीट अ साइकेट्रिस्ट. एक्सरसाइज रोज कीजिए. जैसे मोटी आपको कह रही है एक्सरसाइज रोज कीजिए, बट इट्स रियली लिफ्टिंग. आई फील वेरी हैप्पी आफ्टर आई हैव माय वॉक. 24 इज द मोस्ट मैजिकल थिंग ऑन अर्थ. इट विल इंस्टेंटली गिव यू पीस, हैप्पीनेस. और आप लोग में से बहुत सही, देखो मैं तो हाथ पे लिखी रहती हूँ ऑलवेज विद अ पर्पल पेन, मगर आप एक छोटे पेपर पर लिख के साउथ वॉल ऑफ एवरी रूम यू हैव टू डू. जितने भी मेंटल पेशेंट है या मेंटल नहीं भी हो, थोड़े से भी डिप्रेस्ड हो, थोड़े से भी सैड हो, तो कैट साइज जरूर पहनिए. मैंने भी पहन रखा है. इट ब्रिंग्स लिटिल, हम लोग के इमोशंस को काम करते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परस्यू अ हॉबी. एक हॉबी आपको होनी ही चाहिए, चाहे म्यूजिक है, सिंगिंग है, डांस है, एक्सरसाइज है, कुछ भी है, आपके पास एक हॉबी होनी चाहिए. अगर आप अपने हॉबी को ही अपना करियर बना दो, नथिंग लाइक इट, बट इफ यू कांट, बट स्टिल परस्यू अ हॉबी.
इट कैन बी कुकिंग, इट कैन बी एनीथिंग. सो आई होप मेरे थोड़े लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ आई कुड लिफ्ट योर मूड्स, ट्राई टू मेक यू सी अ बेटर टुमारो एंड ऑल दैट, व्हाटएवर. आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज चिल. गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट लाइफ. God bless you. Just be happy. Wear light blue colors, dark blue colors, white, 24, and just chill.